परमेश्वर कहते हैं कि मैं चुप न रहूंगा। For your sake, I will not remain quiet. मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे निमित्त चैन से न रहूंगा। I will make your vindication shine like the dawn. जब तक कि मैं तुम्हारी धार्मिकता प्रकाश के समान न कर दूं। That means I will do justice for you. इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। And I will bring your salvation like a blazing torch. और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। God is a God of justice. परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर है। If you read Luke chapter 18 and verse 7 and 8, अगर आप लूका अध्याय 18 वचन 7 और 8 पढ़ते हैं, the Lord Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, for those of you who are crying unto me day and night, कि वो लोग जो मुझे दिन रात पुकारते हैं, maybe you are crying out to God for justice day and night. शायद आप परमेश्वर को न्याय के लिए दिन रात दोहाई देते हैं। Maybe you have gone through injustice after injustice. शायद आप अन्याय के बाद अन्याय में से होकर गए। Your own family members may have acted unjustly. आपके खुद के परिवार के सदस्यों ने आपके साथ अन्याय किया हो। Spoken unjust words against to break your heart. आपके दिल को तोड़ने के लिए आपके विरुद्ध में अन्याय के शब्द कहे होंगे। And done unrighteous acts against you. और आपके विरुद्ध में अधर्म के काम किए होंगे। Maybe your boss in your office would have extracted all the work and would have done injustice in caring for you. शायद आपके ऑफिस के जो बॉस थे उन्होंने आपसे पूरा काम करवाया और आपकी देखभाल करने में शायद उन्होंने अन्याय किया हो। Maybe the property has been taken away from you because of injustice. शायद अन्याय के कारण ही आपसे संपत्ति छीन ली गई है। The Lord says, प्रभु कहते हैं, You have not gone against these people, but you have come and cried to me, my child. मेरी संतान, तुम इन सब लोगों के विरुद्ध में नहीं गए, लेकिन तुम मेरे पास आकर मुझे पुकारने लगे। You have cried day and night to me. तुमने मेरे लिए, तुमने मुझे दिन रात पुकारा। I may have waited for a long time. मैं तो काफी समय से शायद राह देख रहा था। But now, लेकिन अब, I will do justice. मैं न्याय करूंगा। I will do justice for you. मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। And I will do it quickly. और मैं इसे जल्दी करूंगा। I will vindicate your cry. मैं तुम्हारी पुकार को पुकार का न्याय करूंगा। And show that I am a God of justice like the dawn. और मैं ये दिखाऊंगा कि मैं तो न्याय का परमेश्वर हूँ, बिल्कुल प्रकाश के जैसे से दिखाऊंगा। After the darkness of the night, when the dawn comes, there is so much of light. जब पूरे रात के अंधकार के बाद में जब भोर होती है, तो वहाँ पर बड़ी ज्योति होती है। All the darkness is gone. सारा उजियाला होता है, सारा अंधकार चले जाता है। When God's justice comes into your life, परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आता है। Today, the dawn shall blossom. आज वो उदय तेजोमय होगा। God's blessing shall dawn in your life. परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर उदय हो। I command it to happen in your life in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूँ कि ये आपके जीवन में हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। For all the injustice you have seen. सारा अन्याय जो आपने देखा है उसके बदले। Lord, listen to their cry. प्रभु इनकी पुकार सुनिए। Listen to their cry. इनकी पुकार सुनिए प्रभु। They have not cried to anyone. इन्होंने किसी और को नहीं पुकारा है। But to you, Lord. लेकिन तुझे पुकार। But to you, Lord. तुझे पुकार। Remember them. इन्हें स्मरण कर। And today I pray. आज मैं प्रार्थना करता हूँ। That you will be pleased to do justice and do it quickly and give them exceedingly abundant blessings, Lord. कि प्रभु तू न्याय कर, जल्दी से कर और इन्हें बहुतायत से उमड़ती हुई आशीष दे। And send your salvation into their lives. और इनके जीवन में अपना उद्धार भेजिए। If they have done anything wrong which has stopped your blessings, forgive them, Lord. अगर इन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है जिसके कारण आपकी आशीषें रुकी हुई है, तो इन्हें क्षमा कीजिए। Like a blazing torch, destroy every evil in their lives, Lord. जलती हुई मशाल के समान इनके जीवन की हर एक बुराई को नाश कीजिए। And set them free from all unrighteousness. और इन्हें हर एक अधर्म से स्वतंत्र कीजिए प्रभु। Let their salvation come like a blazing torch in Jesus' name. और इनका उद्धार जो है वो जलती हुई मशाल के समान आने पाए।
Father, let them shine brightly. और पिता ये बहुत ही तेजो में होने पाए. As God's children. क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है इसलिए. Thank you for this grace. इस समय के लिए धन्यवाद देते. No devil, no man should be able to accuse them anymore. कोई भी शैतान और कोई भी मनुष्य उनके ऊपर फिर कभी दोष न लगाने पाए. Everything that has been ordained by you for their lives, come in search of them from today in Jesus' name. हर एक बात जो इनके जीवन के लिए आपने नियुक्त की है प्रभु, ये सारी आशीषें इन्हें खोजते हुए आए प्रभु यीशु. Let them lack nothing. और इन्हें किसी बात की कमी ना हो. Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु. In Jesus' name.